हेलो एस जी टी बी स्टूडेंट्स, आई एम लवदीप, योर हिंदी टीचर फ्रॉम एस जी टी बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने इस चैप्टर का कुछ हिस्सा कल रीड कर लिया था, अब हम आगे नेक्स्ट स्टेंजा रीड करेंगे। राजा दुष्यंत के चले जाने के बाद शकुंतला बहुत उदास रहने लगी। वह हर समय दुष्यंत की याद में डूबी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। जब वे आए, शकुंतला राजा की याद में खोई हुई थी। उसे ऋषि दुर्वासा के आने का पता ही नहीं चला, इसलिए उसने ऋषि को प्रणाम तक नहीं किया। यह देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। उन्होंने शकुंतला को शाप देते हुए कहा, जिसकी याद में खोकर तूने मुझे प्रणाम नहीं किया, वह तुझे भूल जाएगा। ऋषि दुर्वासा का शाप सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा। वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। शकुंतला की सखियों ने भी ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी और उन्हें सारी बात बताई। वे उनसे शकुंतला को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। ऋषि बोले, मेरा शाप तो झूठा नहीं हो सकता, परंतु जब राजा की दी हुई अंगूठी शकुंतला उन्हें दिखाएगी तो राजा को इसकी याद आ जाएगी। कुछ दिन बाद जब कण्व ऋषि आश्रम में लौटे तो उन्हें शकुंतला के विवाह की बात पता चली। वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दो शिष्यों के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर भेज दिया। रास्ते में शकुंतला को प्यास लगी। उसने एक सरोवर में पानी पिया। पानी पीते समय राजा की दी हुई अंगूठी शकुंतला की उंगली से निकलकर सरोवर के पानी में गिर गई। शकुंतला को इसका पता भी न चला। बेटा, आज के लिए इतना ही। आप इस पेज को अच्छे से रीड करें। थैंक्स।